आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। ख्वाबों में मुलाकात आयशा से रोज होती है मेरी। कुछ बताना चाहेंगे? देखिए शादी का मौका है, आपको शादी के मौके में सभी खुश होते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी लाहौर पाकिस्तान जा रहा हूँ निकाह करने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों ने और मेरी खुशी को बढ़ा दिया है यहाँ के। जहाँ निकाह की बात आती है, आजकल हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जहाँ एक लड़की डांस करते हुए नजर आ रही है, वैसे ही कुछ आपका भी कंटेंट लग रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? वो आयशा है, वो मेरी जान है, मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान। अभी मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा सब फॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ अभी मैं, और मैं उनसे निकाह करने जा रहा हूँ और उनको अपनी बेगम बना के बॉम्बे वापस लेके आने वाला हूँ। आयशा के साथ आपकी मुलाकात कैसी हुई और ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे आया, कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, जब से उनका वीडियो वायरल हुआ है लता जी का, जब से मैं उनको देख के बहुत ही बहुत एक्साइटेड हो गए, आप ये कह सकते हैं मैं बहुत पागल हो गए, और मैंने ठान लिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी ताकत मुझे रोके, मैं आयशा से निकाह करके लेके आऊँगा। इसलिए मैंने उनको मेहर 15 लाख रुपए देने का भी फैसला किया है, जो आपको पता होगा मुस्लिम समाज में मेहर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मेहर एक्चुअली जो भी जो लड़की होती है उसकी सेफ्टी के लिए एक अमाउंट होता है कि इनकेस खुदा ना खास्ता कभी आप लोग अगर अलग होते हैं तो उसकी सेफ्टी अमाउंट होता है, जो लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको तय करते हैं। तो मैंने वो 15 लाख रुपए देने का आयशा को फैसला किया है, 15 लाख रुपए मेहर के मैं दूंगा और उससे निकाह करूंगा। साथ ही आयशा से आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, कुछ बताना चाहेंगे? ख्वाबों में मुलाकात आयशा से रोज़ होती है मेरी, और मैं इतना मुझे सब्र नहीं हुआ, तो आप ये देख सकते हैं मैं ये पूरा पाकिस्तान एम्बेसी का वीज़ा फॉर्म है जिसमें मैं ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल कर चुका हूँ और मैं परसों जा रहा हूँ पाकिस्तान एम्बेसी। ये सारी डिटेल्स इसमें ऑलरेडी फिल हैं, मेरा फोटो है, मेरी डिटेल्स हैं, और ये मेरे 2 पासपोर्ट हैं क्योंकि 1 पासपोर्ट मेरा ऑलरेडी फिल है, काफ़ी उसमें वीज़े लग चुके हैं, बट अभी इसमें ये वीज़ा पासपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी पाकिस्तान का वीज़ा लगने वाला है। ये जो 2 पासपोर्ट है मेरे, आप देखिए, देख सकते हैं आप लोग सभी जितने लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं खुद ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा दूसरा पासपोर्ट है जो नया बना है, इसमें मैं अभी पाकिस्तान का वीज़ा लगने के बाद मैं लाहौर जा रहा हूँ और आयशा से निकाह करके आऊँगा, और मैं आज नेशनल चैनल पे सबके सामने ऐलान करता हूँ कि आयशा से मैं निकाह करने जा रहा हूँ। मेरा नाम फैज़ान अंसारी है, मैं मुंबई में रहता हूँ और 15 लाख रुपये मेहर दे के मैं आयशा से निकाह करने जा रहा हूँ, और निकाह मुझे कबूल है, आयशा से निकाह मुझे कबूल है, मुझे निकाह कबूल है, मुझे निकाह कबूल है। सो 3 बार कह के मैं निकाह कबूल कर चुका हूँ, बस आयशा की हाल लेने जा रहा हूँ। साथ ही जिस तरीके से आयशा फेमस हुई थी उनके गाने के वजह से, उनके डांस के वजह से, क्या आप भी आपकी शादी में उस तरीके का कुछ विजुअल्स आपका भी वायरल होगा? ऑफ कोर्स, हम दोनों मिलके ही ऐसे शादी डांस करेंगे, और मेरा प्लान ये है कि एक लाहौर में हम रिसेप्शन करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग शायद उसमें आ नहीं पाएंगे, लेकिन जो बॉम्बे में रिसेप्शन करेंगे उसमें आप सभी को आना है, तो हम और आयशा दोनों मिलकर साथ डांस करेंगे। और आयशा, अगर आप मुझे देख रही हैं तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका दिलबर, आपका जानेमन आपके पास आ रहा है, बस 2 दिन की बात और है।